बीमार चींटी की कहानी। एक दिन की बात है, चींटियों के कारखाने में गेहूं के दो टुकड़े करने का काम चल रहा था, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो गेहूं उग जाता है और फिर चींटियां उसे खा नहीं सकती। और कुछ चींटियां गेहूं के टुकड़े कर रही होती है तो कुछ एक जगह से उसे दूसरी जगह जाकर रख रही होती है। तभी एक चींटी कहती है, देखो बहना, ठंडी आ रही है, इस समय हमें खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा कर सके, नहीं तो ठंडी में हवा बहुत ज्यादा ठंडी होती है और बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ चलो साथियों, चलो चलो जल्दी चलो, चलते रहो। तभी रास्ते में, अरे भाई, मैंने तो सुना है ठंडी में आसमान से कुछ कोहरा छा जाता है और सूरज तक नहीं दिखता। अब सोचो जहाँ सूरज ही ना हो वहाँ काम करना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। तभी कारखाने के दरवाजे पर, नाम बोलो। चीटी साय। आईडी नंबर बताओ। 542। जाओ अंदर। तुम्हारा नाम? चीटियां बहुत मेहनती होती हैं। वो अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करती हैं। एक दिन सभी चीटियां दाना लेकर जा रही होती हैं। तभी अचानक एक चीटी रास्ते में गिर जाती है। तभी कुछ चीटियां, अरे अरे क्या हुआ बहना को, ये तो बेहोश हो गई। वो सभी उस चीटी को चीटियों के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। बी हॉस्पिटल में डॉक्टर चीटियां कहती हैं, ये बीमारी आज तक तो किसी भी चीटी में नहीं देखी गई है। मुझे लगता है इस बीमारी की दवा किसी भी चीटियों के हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होगी। और फिर सभी चीटियां सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, ये बीमारी है जिसकी दवाई किसी भी अस्पताल में नहीं है। तो फिर वहां पर एक सीनियर चीटी आती है। वो उस बीमार चीटी को देखती है और कहती है, भले ही इस बीमारी की दवाई चीटियों के हॉस्पिटल में ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इंसानों के पास जाकर, खास करके इस इंसान के पास, वो एक आदमी की फोटो दिखाते हुए कहती है, इसके पास ये दवाई है क्योंकि मैंने दाना लाते वक्त इसे कहते सुना था। ये कह रहा था कि अगर कोई भी अगर बेहोश हो जाए तो उसे मेरे पास भेज देना, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि वो तुरंत होश में आ सकता है। तभी एक चींटी कहती है, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता क्या, क्या अभी ऐसे ही मर जाएगी? तभी दूसरी चींटी कहती है, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मरने दूंगी। तभी एक चींटी उससे पूछती है, क्या करोगी तुम, बोलो तुम क्या करोगी? मैं इस आदमी के पास जाऊंगी और इसे यहाँ आने के लिए मनाऊंगी। तभी दूसरी चींटी कहती है, वो क्यों आएगा यहाँ पर? वो क्यों आएगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कोशिश हमें जरूर से करनी चाहिए। हम इस तरीके से अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ सकते, मुझे जाना होगा। तभी वो वहां से चली जाती है। वो बाहर आकर जिसका नाम मंदार होता है उसे खोजने लगती है। बहुत देर खोजने के बाद मंत्राम इसे दिख जाता है। वो सो रहा होता है। तो फिर वो चीटी मंत्राम को जोर से काटती है, जिससे कि मंत्राम चिल्लाकर उठता है और कहता है, ये किसने चिकोटी भरी मुझे, किसने चिकोटी भरी? आओ मेरे सामने, सामने आओ। तो फिर वो चीटी कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें जगाने के लिए तुम्हें काटा है, लेकिन मैं अगर तुमको नहीं काटती तो क्या करती, तुम तो आलसियों की तरह सो रहे थे। तभी वो मंत्राम कहता है, तुम मुझे क्यों जगाना चाहती थी, बताओ बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ तुम्हें, बताओ मुझे क्यों जगाना चाहती थी? मेरा नाम मंत्राम है और मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा, समझी? तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मेरे नाखून के बराबर की छोटी सी हो और तुमने मेरी नींद खराब कर दी। तभी वो चींटी बड़े प्यार से उससे कहती है, मेरी चींटियों में से एक चींटी बेहोश हो गई है,
उसे केवल तुम ही बचा सकते हो, चलो मेरे साथ। तभी वो मंत्रा मुझसे कहता है, और अगर नहीं गया तो क्या कर लोगी तुम? अगर तुम नहीं गए तो मेरी दोस्त मर जाएगी, और अगर वो मर गई तो मैं और मेरे अन्य साथी तुम्हें बहुत जोर से काटेंगे। तुमने देखा कि मैं तुम्हें कितना जोर से काट सकती हूँ? सोचो, मेरे जैसी हजारों चींटियां तुम्हें काट रही होंगी। अब बताओ, चलोगे या नहीं चलोगे? तो फिर डर के मारे मंत्राम चींटियों के अस्पताल जाता है और उस चींटी की हेल्प करता है। जिससे कि बेहोश चींटी होश में आ जाती है। तभी मंत्राम कहता है, लो आ गई तुम्हारी दोस्त होश में, अब मैं जाऊं? तभी चींटी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी साथी चींटी को होश में ले आए, और मैं आपसे गलत तरीके से पेश आई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तभी मंत्राम बड़े प्यार से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे किसी की हेल्प करके मजा आता है। वैसे तुम्हारा अंदाज मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तुम मेहनती तो हो, मैं तो बहुत ज्यादा आलसी हूँ। तुम निडर हो, मैं डरता भी बहुत ज्यादा हूँ। लेकिन क्या तुम मेरी दोस्ती कबूल करोगी? देखो, मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ। तो फिर चींटी और मंत्राम आपस में दोस्ती कर लेते हैं, और तभी इस कहानी का यहीं पर राजपाट हो जाता है।